1956 से आज 62 साल लगभग देश के अंदर हो गए हैं। बाबा साहब उस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने जब धम्म क्रांति को आगे बढ़ाया तो उस समय तक कम से कम तीन चीजें या तीन किताबें उन्होंने हमारे सामने रखी, जिसमें बुद्धा एंड इस धम्मा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बाद की किताब थी, उससे पहले उन्होंने बुद्धा और कार्ल मार्क्स, और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण किताब जिसको मैं समझता हूँ वो उन्होंने क्रांति एवं प्रतिक्रांति के रूप में हमारे सामने रखी। और साथियों, ये क्रांति एवं प्रतिक्रांति जो किताब है, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, उस किताब में वो बुद्धिज्म के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं कि वास्तव में बुद्धिज्म, आपने जैसे बुद्धिज्म शब्द है उसी तरीके से आपने मार्क्सिज्म सुना होगा, उसी तरीके से सोशलिज्म सुना होगा, लेकिन बाकी के जो रिलीजन है वो इस्म नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म जो है वो एक वाद है, बुद्धिज्म जो है वो एक दर्शन है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब क्रांति और प्रतिक्रांति में कहते हैं कि बुद्धिज्म क्रांति का दर्शन है, बुद्धिज्म सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति का दर्शन है। यहाँ जितने भी गैर बराबरी की व्यवस्थाएं थी, जितने भी अन्याय अत्याचार की व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके, चाहे वो जातिवाद के रूप में रही हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के रूप में रही हो, उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके गौतम बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने अपने आंदोलन के सहारे, अपने जो है उस बड़े आंदोलन के सहारे, उस क्रांति के सहारे यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन किया, यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन किया, आगे चल के कल्चरल रिवोल्यूशन के रूप में वो डेवलप हुआ। और 500 साल तक इस देश के अंदर आपने बहुत बुद्ध के समय से, बुद्ध के बाद से 500 साल तक यहाँ पे लगभग हम देखते हैं कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जो समतामूलक था, जिसमें सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी व्यवसाय के करने वाले लोग हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी लिंग के साथी हों, उन सभी को समान अधिकार मिल रहा था उस 500 साल में। इसीलिए उस 500 साल को हम साथियों अपना जो है यहाँ पे गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। अगर भारत दुनिया के अंदर पहचाना गया तो उस 500 साल में जो अशोक का समय था, जो बुद्ध का समय था, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती रही। इसीलिए हम भारत को विश्व गुरु का दर्जा भी उस व्यवस्था में मिला। तो अगर बुद्धिज्म एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का दर्शन था, बुद्धिज्म अगर यहाँ पे आपके मान सम्मान का दर्शन था, बुद्धिज्म आपको हर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का दर्शन था, तो फिर किस प्रकार से कुछ लोगों ने उसको धर्म में परिवर्तित कर दिया। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म के रूप में उसको लाके विकृत कर दिया गया। और जैसे जैसे इसके अंदर, जैसे जैसे धर्म के, जैसे जैसे धर्म के अंदर उन्होंने पूजा अर्चना, देवियां, देवताएं या तंत्र मंत्र, इस तरह के भाग्य भगवान, पुनर्जन्म, इन चीजों को अंदर घुसाया, उसी तरीके से धम्म जो है विकृत होता गया। जो एक परिवर्तन का माध्यम था वो तंत्र मंत्र का माध्यम बन गया, और समाज के, हमारे जो बहुत समाज के जो कहना चाहिए जो समाज था उसके ऊपर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा, और जल्दी ही उन्होंने अपने आप को धम्म से अलग कर लिया। साथियों, ये जो लंबा समय चला, इसी को आप मनुवाद के नाम से जानते हैं, और पिछले 2500 साल से हम जान रहे हैं कि इस तरह की मनुवादी व्यवस्था ने हमारे दिलो दिमाग को पूरी तरीके से कैद करके रखा। लेकिन बाबा साहब ने, और बाबा साहब से पहले भी हमारे बहुत सारे नायक नायिकाओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं अब इस तरह की व्यवस्था आपके सामने करके जा रहा हूं कि मेरे आने वाली पीढ़ियां जो है, अगर आज इस चीज को ठीक से नहीं समझ पा रही है, तो जो साहित्य मैंने लिखा है, जो आंदोलन मैंने चलाया है, उस आंदोलन को समझ के आने वाली पीढ़ियां जो है भारत में, जो उन्होंने एक हम सबके लिए एक उद्देश्य निर्धारित किया था, वो उद्देश्य निर्धारित किया था कि हमें भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है। साथियों, जब हम प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं कि प्रबुद्ध भारत वास्तव में क्या चीज है, प्रबुद्ध भारत हम किस व्यवस्था को कहते हैं, तो इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में अगर इस बात की व्याख्या करने की प्रयास करें, तो प्रबुद्ध भारत का मतलब है जब हम किसी पे निर्भर ना हो, जब हम किसी के पिछड़ू ना हो, जब हम किसी के पीछे ना चले, जब हम अपनी रोजी रोटी के, अपने मान सम्मान के, अपने शासन प्रशासन का, अपना स्वयं के मालिक हो। अगर हमें दूसरों पे निर्भरता हमारी खत्म हो जाती है, अगर हम अपनी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो समाज नीति हो, चाहे व्यक्तिगत हित हो, अगर उन सब क्षेत्रों में हम किसी पे निर्भर ना होंगे, हम किसी पे निर्भर ना होंगे, सक्षम है, स्वयं निर्भर है, सक्षम है, तो फिर हम प्रबुद्ध होने की तरफ चलते हैं। हमारा जो है प्रबुद्ध
संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। जब आप नैतिक रूप से संबल हो जाते हैं, साथियों कभी कभी हम कहते हैं कि भाई नैतिकता क्या चीज है, नैतिकता का बुद्धिजन में बाबा साहब ने कहा कि वही स्थान है जो किसी दूसरे धर्म में भगवान का स्थान होता है। अगर यहाँ पे नैतिकता का मतलब हम लगाते हैं कि नैतिकता का मतलब होता है कि जब आप किसी का नैतिक बल कब जिसके अंदर आता है, नैतिक बल तब आता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी इच्छा रखते हैं। मॉरल आपका पुष्ट होता है, मॉरल पुष्ट तब होता है कि आपने किसी चीज की इच्छा की, उसके लिए तैयारी की, उसके लिए प्रयास किया और उसको प्राप्त कर लिया। इस तरीके से आपका धीरे धीरे मॉरल पुष्ट होता है। सो मॉरलिटी जो है वो किसी जानवर को, किसी पक्षी को, किसी इस तरह की चीज के लिए जो है छोटी मोटी दया दिखाने का बात नहीं है, बल्कि मॉरलिटी का मतलब है जब आप स्वयं सक्षम हो, जब आप स्वनिर्भर हो। सो मॉरल जितना ज्यादा हम मॉरल होते जाएंगे, जितने ज्यादा हम स्वनिर्भर होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा हम प्रबुद्ध होते जाएंगे। यहाँ पे साथियों बाबा साहब ने जिस कारवा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उस कारवा को हम जानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न शहरों में ये कारवा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस रफ्तार के साथ इसको आगे बढ़ना चाहिए था, शायद उस रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ पाया, बीच में बहुत सारी समस्या रही। लेकिन बाबा साहब के बाद माननीय घासीराम साहब इस आंदोलन के अगुवा बने और 1964 में उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किया। इस आंदोलन की शुरुआत 1964 में करके 1984 तक इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया। साथियों जब माननीय साहब गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो समाज को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, समाज को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं